अब हमने क्या करना है, क्या हमने अब इसके अंदर ये दोनों कैप्सूल मिक्स करने हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने। तो भी बस ये हो गया है हमारा दाना अब, और ब्रीडिंग फार्मूला यही वाला यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ हमारे परिंदों का ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम अपने बर्ड्स को हर तरह का ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे हैं, लेकिन हमारे बर्ड्स जो हैं अभी तक ब्रीडिंग नहीं कर रहे। और जिनके बर्ड्स आज तक ब्रीडिंग नहीं करी या ब्रीडिंग लेट करते हैं, ब्रीडिंग में मसला है कोई और अंडे ले नहीं होते, उनके अंडे ले होने के बाद एग्स फर्टाइल नहीं होते और बच्चे कम निकलते हैं, ये वजूहत हैं, तो उनके लिए आज हम एक बेहतरीन सा ब्रीडिंग फार्मूला लेकर आए हैं, जो अगर आप अपने बर्ड्स पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह 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 आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूले को दाने के अंदर मिक्स कर देते हैं और उनको यूज़ करने का तरीका नहीं आता कि ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तो जिसकी वजह से उनको ब्रीडिंग फार्मूला किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो आज मैं आपको ये बेहतरीन सा ब्रीडिंग फार्मूला भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, और इसको बनाते किस तरीके से हैं और कितना देते हैं मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जिस भाई ने भी अभी तक हमारा चैनल बर्ड्स बाय फरहान सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का क्लिक लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपके लिए हम इसी तरीके की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें, जो कि आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं व्यूवर्स इसी के साथ अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये हम बना रहे हैं अपनी फिंचिस के लिए दाना ना, फिंचिस के लिए ब्रीडिंग फार्मूला। तो हमने अपनी फिंचिस के लिए ब्रीडिंग फार्मूला कैसे बनाना है, किस चीज़ से बनाना है और इसमें क्या क्या शामिल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 1 किलो कंगनी ले लेनी है, चाहे तो आप लाल कंगनी ले लें या आप पीली बारीक कंगनी ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे पीली कंगनी ले ली है, बारीक वाली ना, तो ये बारीक कंगनी मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर जो मैं शामिल करने जा रहा हूँ, ये इवियन कैप्सूल 600 mg के अगर आपके पास मिल जाएँ तो वेल एंड गुड हो जाएगा, अच्छा है। अगर ना मिले तो इवियन कैप्सूल का ये नेमो बदल है, इस कैप्सूल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ये आम तौर पे इंसान भी इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं और ब्रीडिंग फार्मूले के लिए भी बर्ड्स को या परिंदों को जितने भी हैं ये उनके लिए यूज़ कराया जाता है। तो आप लोगों को ये दाने के अंदर किस तरह से मिक्स करना है, अगर तो ये दाने के अंदर हाथों हाथ आपने मिक्स कर दिए, यहाँ पे इसको लीक करके दाने के अंदर मिक्स कर दिया, तो ये क्या होगा कि ये इतने से हिस्से के अंदर दाने के अंदर जम जाएगा, ये सारे जितना भी हमारे पास दाना होगा उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे परिंदों को इस कैप्सूल से फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। तो हम इस ब्रीडिंग फार्मूले को बनाएंगे किस तरह से, तो सबसे पहले हम वो शुरू करते हैं। मैं ये पहले कैप्सूल साइड पर रख देता हूँ, ये कैप्सूल मैंने साइड पर रख दिए। अच्छा, तो ये जो कंगनी है इस पे क्या होता है कि इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, इसका छिलका जो होता है, छिलका सबसे पहले हमने हटाना होगा। वो किस तरह से हटाएंगे, हमने इसको अपने हाथ की मदद से यूँ रब करना है, ये हमने रब कर लेना अच्छी तरीके से पूरे दाने को। जब हम पूरे दाने को अच्छी तरीके से रब कर लेंगे, मैं अच्छी तरीके से पहले रब करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, ताकि आपसे कोई स्टेप भी मिस ना हो और आप बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से अपने बर्ड्स के लिए दाना बनाएं और ब्रीडिंग फार्मूला यही वाला यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये मैं अच्छी तरीके से रब कर लेता हूँ पहले।
अच्छा, ये रब करने से क्या होगा, इसको दाने को दोनों हाथों से मसलने से क्या होगा कि इसका जो छिलका है, कंगनी के ऊपर जो छिलका लगा हुआ होता है वो निकल जाएगा और बीज आपके पास इसके अंदर रह जाएगा। तो अभी रह गया है थोड़ा, मैं इसको अच्छी तरीके से रब कर लूँ ताकि कोई भी दाना जो है छिलके वाला ना रह जाए। अच्छा जी, तो ये मैंने अच्छी तरीके से पूरी कंगनी को रब कर लिया, अच्छी तरीके से इसको मसल लिया है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हमने फूंक मार के हवा के ज़रिए छिलका जो है सारा उड़ा देना है इसके अंदर से। ये हमने अच्छी तरीके से इसको फूंक मार के सारा इसका जो छिलका है वो उड़ा दिया है। इसका कोई छिलका रह तो नहीं गया, हम देख लें पहले। ये अच्छी तरीके से हमने इसका छिलका उड़ा दिया है। अब हमने क्या करना है, क्या हमने अब इसके अंदर ये दोनों कैप्सूल मिक्स करने हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, दाना बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ है, तो हमें कैप्सूल हम लीक करके अगर इसके अंदर ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, वो 2-4 दाने के ऊपर या 10-12 दाने के ऊपर लगेगा और वो यहीं पे जम जाएगा, यानी कि कंप्लीट दाने के अंदर ब्रीडिंग फार्मूला इन्वॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो हमने अब इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए मैं पहले तो ये एक मुट्ठी भर कंगनी अलग कर लेता हूँ। अब आप बोलेंगे कि हमने बनाना है पूरे दाने के लिए ब्रीडिंग फार्मूला और आप हमें कह रहे हैं कि ये एक मुट्ठी भर अलग कर रहे हैं, तो ये क्या सीन है भाई। अब मैं, आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको आगे चलें, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा, सब्र करें। और ये आपने जब मुट्ठी भर इसको अलग कर लेना है तो इसको आपने बिल्कुल अलग प्लेट के अंदर निकाल लेना है। मैं एक मिनट आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये हमने एक मुट्ठी दाना ले लेना है कंगनी का। ये एक मुट्ठी दाना लेने के बाद हमने ये दूसरी प्लेट के अंदर इसको निकाल लेना है, किसी भी बर्तन के अंदर आप निकाल लें। ये हमने स्टील की प्लेट के अंदर ये दाना निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा और साफ़ कर लेता हूँ। ये दाना मैंने थोड़ा सा और साफ़ कर लिया। अच्छा जी, तो अब इस दाने को थोड़ा सा अभी साइड कर लें। इस दाने को हमने क्या करना है, ये जो एक मुट्ठी हमने दाना इस 1 किलो दाने के अंदर से निकाल लिया, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने हल्का सा हीट अप करना है। देखें आज गैस आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कराची के अंदर गैस का बहुत इशू चल रहा है जब से सर्दियाँ आई हैं। क्या आपकी तरफ गैस आ रही है, ये आप हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा, और आप कौन सी लोकेशन से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा। चलें आएँ, अब हम देखें हमारे चूल्हों के अंदर गैस आ रही है या हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए, तो फिर ये हम आपके लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाना शुरू करें। तो इसको आपने हीट कितना करना है, इसको आपने इतना हीट करना है कि आप बाद में इसको इस दाने के अंदर मिक्स कर सकें। इस तरीके से आपने इतना हीट करना है। अब अपने हाथ से हीट, अपना जितनी हीट आप अपने हाथ पे बर्दाश्त कर सकें बस उतना ही आपने इस दाने को गर्म करना है। तो चलें आए हम पहले देखें। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमारे घर में गैस आ रही है नहीं आ रही। तो फाइनली आज स्वीट सदन गैस वालों को रहम आ गया कि हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो उन्होंने गैस भी आज दे दिए। तो इसके ऊपर अब हम बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर हम ये दाने को हीट देते हैं
हल्की हीट देनी है आपने, ज़्यादा हीट नहीं देनी, और इसको दाने को हल्का सा मिक्स करते रहें। भाई इतना हीट कर लें कि पूरा मुकम्मल दाना प्रॉपर हीट अप हो जाए। तो भी बस ये हो गया है हमारा दाना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके अंदर अब हम ये कैप्सूल मिक्स करेंगे। आ जाए मैं आपको वो भी दिखाऊं किस तरीके से मिक्स करना है आपने कैप्सूल। तो भी बस फाइनली अब हम इस कैप्सूल को इस दाने के अंदर मिक्स करेंगे। ये कैप्सूल है विटामिन ई का, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। ये आपको किसी भी इजीली मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा, और इवियन कैप्सूल अगर आपको मिल जाए 600 एमजी का तो वो बेस्ट है, अगर ना मिले तो ये उसका नेमो बदल है। ये एक कैप्सूल हमने डाल दिया, और ये अच्छा। अब आप बोलेंगे कि ये तो इसके अंदर भी एक दो दानों के ऊपर लग के हल हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दानों पे नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, वजह मैं आपको बताऊं। ये जो हमने हीट किया है इसको, ये हीट इसी वजह से किया है ताकि ये दाने के ऊपर लग के जम ना सके, क्योंकि दाना अभी गर्म है वो इसको जमने नहीं देगा। ये हमने प्रॉपर इसके अंदर डिसॉल्व कर लिया, लीक कर लिया कैप्सूल। अब हम ये छिलका जो है इसका ये फेंक देंगे, ये किसी काम का नहीं है हमारे। अब हमने हाथों की मदद से अपने ये इस दाने को अच्छी तरीके से एक एक दाने के ऊपर लगा देना है। मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ ये दाना। ये हमने एक मुट्ठी दाना जो लिया था ये हमने अच्छे तरीके से इसको हल कर लिया दो कैप्सूल से। अच्छा ये जो ब्रीडिंग फार्मूला आपने बनाना है इसकी मैं क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। आपने एक किलो दाना लेना है, एक किलो दाना आपने लेना है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके छिलका विलका इसका उतार के। ये कंगनी के बारे में बता रहा हूँ मैं, बाकी आगे जो बड़े बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाऊँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कंगनी के लिए ये ब्रीडिंग फार्मूला है, कंगनी में आपने ये अच्छी तरीके से छिलका उतार के दाने को मिक्स करना है, क्योंकि जब परिंदे दाना खाते हैं आपने देखा होगा अक्सर वो छिलका उतार के फेंक देते हैं, वो सिर्फ अंदर का जो दाना होता है वो खा लेते हैं। तो फाइनली हाँ, बातें करते करते हम लोगों का ये दाना भी मिक्सअप हो गया। इसको अब हम मिला देते हैं अपने एक किलो दाने के साथ। एक किलो दाने के साथ अब हम ये दाना पूरा मिला देते हैं, और अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्सअप। ये हमने अच्छी तरीके से दाना मिला लिया है, अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्सअप। मिक्सअप कर लिया हमने भाई, और अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लें। अच्छा जी, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा
लोग जो मैं क्या कह रहा था, लोग हमसे कहते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला हमने खिला दिया है और फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो इसी वजह से फ़र्क नहीं आता कि लोग जो है ब्रीडिंग फार्मूला ला के वो दाने के अंदर मिक्स कर देते हैं। उनको मिक्स करने का, उनको ब्रीडिंग फार्मूला मिलाने का, बनाने का तरीका नहीं आता, इस वजह से उन लोगों के बर्ड्स अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो अच्छी ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा तरीका मैंने बताया है ये तरीका आपने अपनाना है, और ये तरीका अपना के फिर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड करेंगे, और जब आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें तो आपने हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि हमारा ब्रीडिंग फार्मूला आपके बर्ड्स के ऊपर कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो व्यूअर्स, ये हो गया है फाइनली अच्छी तरीके से मिक्सअप, हमने मैशअप कर लिए अच्छी तरीके से। अब हम मैशअप करने के बाद इसको अब हम आपको अपने बर्ड्स को देंगे और फिर दिखाते हैं कि माशाल्लाह हमारे बर्ड्स कितनी फास्ट इसको खाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम ये दाना अपने बर्ड्स को देते हैं। तो व्यूअर्स, ये वाला दाना अब हम अपने बर्ड्स को खिलाने जा रहे हैं। ये हमने बर्ड्स के लिए दाना निकाल लिया और अब हम ये अपने बर्ड्स को खिलाएंगे और देखते हैं हमारे बर्ड्स इसको कितना, इसको बल्कि हम यहाँ लगा देते हैं आज ताकि हम आपको वीडियो इजीली बना के दिखा सकें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। तो आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके लाजमी बता दीजिएगा, और ये ब्रीडिंग फार्मूला आप अपने घर के अंदर बिल्कुल सेम इसी तरीके से अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करें, और फिर जैसा रिज़ल्ट आता है आप हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स के लिए कोई भी परेशानी है, कोई भी आपके साथ मसला पेश आ रहा है बर्ड्स को पालने में, तो आप हमसे कमेंट्स करके या हमसे पर्सनल में ज़रूर अपना राय ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह गाइड करने की पूरी प्रॉपर कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और बेल आइकन का क्लिक सब्सक्राइब करके लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थी बर्ड्स ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से। फिंचेस का हमने इसमें ब्रीडिंग फार्मूला बनाना सिखाया है, और इंशाल्लाह आगे जो हम आपको ब्रीडिंग फार्मूला बताने वाले हैं वो बड़े बर्ड्स के बारे में बताएंगे और ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको इसके बाद जो है वो सॉफ्ट फूड की वीडियोस वगैरह, और सर्दियों की बीमारियों से बचने का तरीका वगैरह, और इनकी क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं इंफॉर्मेटिव जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे। तो बेल आइकन का क्लिक लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर कोई वीडियो हम आपके लिए ना बना सकें और आपके साथ मसला पेश आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की और आपके लिए अच्छी से अच्छी गाइडलाइन तैयार करने की। तो इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद फरहान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।